नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा रानी, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट इंदिरा आईवीएफ रांची से। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि महिलाओं में निसंतानता के क्या कारण होते हैं और इनका क्या इलाज संभव है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अभी आप सभी लोग जानते हैं कि देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू है काफ़ी दिनों के लॉकडाउन के बाद, क्योंकि ज़िंदगी को वापस पटरी पर लाना भी ज़रूरी है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का डर अब नहीं है या उसका खतरा अब ख़त्म हो गया है। इनफैक्ट इसके स्प्रेड होने का जो डर है वो पहले से भी कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए आप सभी लोगों से ये अनुरोध करती हूँ कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तो फेस मास्क लगाकर ज़रूर निकलें, समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें और 2 गज की दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इससे हम सिर्फ ना अपने आप को सुरक्षित रखेंगे बल्कि सारे लोगों को सुरक्षित रखेंगे। तो मैं यही कामना करती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि महिलाओं में निसंतानता के क्या कारण हैं। इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि नॉर्मली बच्चे कैसे होते हैं। तो मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, ये महिला की गर्भाशय है, इससे लगी हुई 2 नलियां हैं और 2 अंडकोश हैं। हर महीने महिला का 1 अंडा बड़ा होकर फूटता है और वो इन नलियों में आता है। उसी वक्त जब पति पत्नी संपर्क स्थापित करते हैं तो शुक्राणु गर्भाशय के रास्ते से होता हुआ इन नलियों में आता है। अंडे और शुक्राणु का मिलन इस पतली सी ट्यूब्स में के अंदर होता है, जिसे हम फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। अंडे और शुक्राणु मिलकर यहीं पर भ्रूण का निर्माण करते हैं और 3 से 4 दिन के बाद ये भ्रूण वापस इन नलियों के रास्ते होता हुआ गर्भाशय में आता है, गर्भाशय की दीवार से चिपकता है और यहीं पर वो एक बच्चे का आकार लेता है और 9 महीने बाद उस बच्चे का जन्म होता है। अब बात ये आती है कि आखिर ऐसी क्या समस्या हो जाती है कि महिलाओं को कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है या इनफर्टिलिटी की समस्या होती है। तो 30-40% केसेस में देखा गया है कि ऐसी महिलाएं जिन्हें निसंतानता की समस्या होती है उनमें ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर बहुत ही कॉमन है। ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर यानी अंडे का नहीं बनना या फूट कर नलियों में नहीं आना। ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर्स के भी कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज, जिसमें आपके अंडकोश में छोटे छोटे कई सारे अंडे रहते हैं लेकिन उनमें से कोई एक अंडा बड़ा होकर फूट कर इन नलियों में नहीं आ पाता, जिससे कि PCOS की जो महिलाएं होती हैं उन्हें निसंतानता की समस्या होती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट कॉज होता है एंडोमेट्रियोमा या चॉकलेट सिस्ट। ऐसे लोगों को अंडकोश में एक खून की गांठें बन जाती हैं जिन्हें हम चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियोमा के नाम से बुलाते हैं और हर आती हुई माहवारी के साथ इस चॉकलेट सिस्ट का साइज़ बढ़ता ही चला जाता है और जैसे जैसे इसका साइज़ बढ़ता है ये आपके नॉर्मल अंडे को खाता जाता है और आपके अंडों की संख्या कम हो जाती है और जैसे आपके अंडों की संख्या कम होगी आपको इनफर्टिलिटी की समस्या होगी। महिलाओं में जो ओवरीज में रिजर्व होते हैं, अंडों का जो रिजर्व होता है वो हर महिला में एक उसके जन्म से ही निर्धारित होता है और माहवारी के साथ धीरे धीरे इस रिजर्व से कुछ अंडे निकलते जाते हैं और जब आपके अंडे पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं तो ऐसी महिलाओं में मेनोपॉज आ जाता है। कुछ लोगों का ये रिजर्व जन्म से ही बहुत कम होता है और समय से काफ़ी पहले 30-35 साल की उम्र में ही उनके सारे अंडे खत्म हो जाते हैं और उनका मेनोपॉज आ जाता है, जिन्हें हम प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर के नाम से कहते हैं। तो ऐसी महिलाओं के अंडे समय से पहले ही खत्म हो जाते हैं, उनकी माहवारी आनी बंद हो जाती है और उन्हें निसंतानता की समस्या होती है। नॉर्मली भी अगर देखा जाए तो एज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपके कंसेप्शन में। 35 ईयर्स के बाद अंडों की संख्या में नॉर्मली भी सारे औरतों में 35 ईयर्स के बाद अंडों की संख्या में कमी आने लगती है, बहुत तेज़ी से इनकी संख्या में गिरावट होती है और ना सिर्फ इनकी संख्या में गिरावट होती है बल्कि इसका क्वालिटी भी ख़राब होता चला जाता है। इसलिए जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा 35 ईयर्स के बाद आपको कंसीव करने में दिक्कतें आने लगती हैं।
तो किसी भी कारण से, या तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, अगर आपकी थायराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा या बहुत कम है, जिसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, या अगर आपको हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया है, किसी भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी आपके अंडे नहीं बनते हैं, जिससे आपको इरेग्युलर पीरियड्स होते हैं या फिर एमिनोरिया या आपकी महावारी रुक जाती है, तो किसी भी कारण से अगर महिला के अंडे नहीं बन रहे, वो बनकर फूटकर नलियों में नहीं पहुंच पा रहे, तो ऐसी महिलाओं को निसंतानता की समस्या होती है। दूसरा, अगर हम आगे बढ़े तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है महिला का फेलोपियन ट्यूब, जिसे हम नलियां भी कहते हैं, जिसके अंदर अंडे और शुक्राणु का मिलन होता है। कई बार महिला की दोनों ही फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाते हैं, ऐसे केसेस में अंडे और शुक्राणु आपस में मिल नहीं पाते हैं और ऐसी महिलाओं को निसंतानता की समस्या होती है। ये ट्यूबल ब्लॉकेज भी बहुत सारी रीज़न से हो सकते हैं। अपने देश में ट्यूबरकुलोसिस बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, और अगर आपको जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस है, यानी कि यदि आपके बच्चेदानी में और ट्यूब्स में ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये ट्यूब्स बंद हो जाते हैं। ट्यूब्स बंद होने की वजह से महिलाओं को निसंतानता की समस्या होती है। कई बार आपके कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या PID की वजह से भी ट्यूब्स की ब्लॉकेज देखी गई है। कई बार ऐसी महिलाएं जिन्होंने किसी कारण से अगर पहले एबॉर्शन करवाया या DNC करवाया, तो उसकी वजह से भी बच्चेदानी में यूट्रस में इन्फेक्शन रह जाता है, और ये इन्फेक्शन वापस जाकर इन ट्यूब्स को ब्लॉक कर देता है। तो एबॉर्शन या DNC के बाद भी कई सारी महिलाओं को ट्यूबर ब्लॉकेज की समस्या आती है। यदि आपने किसी तरह की पेल्विक सर्जरीज करवाई हुई है, कि कोई भी ऑपरेशन कराया हुआ है, तो ट्यूबल ब्लॉकेज होने की संभावना रहती है। अगर आपके ट्यूब्स में इन्फेक्शन हो गया, तो इसके कभी कभी बच्चे जो हैं अंडा और शुक्राणु, जैसे मैंने आपको बताया कि इनका मिलन ट्यूब्स के अंदर ही होता है, लेकिन ट्यूब्स के अंदर मिलन होने के बाद, चूँकि ट्यूब्स आपके इन्फेक्टेड हैं, उसके अंदर जो छोटे छोटे रेशे हैं जिन्हें हम सीलिया बोलते हैं, जिनकी मदद से ट्यूब्स वापस इस भ्रूण को गर्भाशय के अंदर भेजता है, वो काम ट्यूब्स अपना नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी सीलिया डैमेज होती है, और फिर वो जो भ्रूण है वो ट्यूब्स के अंदर ही बड़ा होने लगता है, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और 1.5 से 2 महीना होने के बाद ये ट्यूब्स जो है वो फट जाते हैं, जिसकी वजह से इन ट्यूब्स को काट कर हटाना पड़ता है। तो ट्यूब्स अगर आपके काट के हटा दिए गए हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से, तो भी आपको निसंतानता की समस्या होती है। और आगे बढ़ा जाए तो फिर आता है महिला का गर्भाशय या यूट्रस, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि बच्चे को 9 महीने यहीं पे बड़ा होना होता है। तो इसमें भी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जिसकी वजह से निसंतानता होती है। कई लोगों को जन्म से ही ये यूट्रस जो होता है, इसका आकार काफ़ी छोटा होता है, जिसे हम हाइपोप्लास्टिक यूट्रस बोलते हैं। ऐसी महिलाओं को कभी महावारी आती ही नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए को भी निसंतानता की समस्या होगी। कई बार यूट्रस में बड़े बड़े गांठें हो जाती हैं, जिन्हें हम फाइब्रॉइड्स या रसौली बोलते हैं, और उसकी वजह से भी निसंतानता की समस्या होती है। कई बार एडिनोमायोसिस या बल्कि यूट्रस, आपने सुना होगा या आपका अल्ट्रासाउंड हुआ होगा, तो डॉक्टर बताते हैं कि आपको गर्भाशय में सूजन है। एडिनोमायोसिस की वजह से बहुत ज़्यादा निसंतानता की समस्या तो नहीं होती है, लेकिन ऐसे लोगों को बार बार गर्भपात होने का खतरा बना रहता है। तो कई बार बच्चेदानी में सेप्टम होता है, जो यूट्रस को 2 भाग में डिवाइड करता है, और भी कई तरह के यूट्राइन एनोमलीज होते हैं, जिनकी वजह से निसंतानता की समस्या होती है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या है, तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या अपने रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। तो इस नंबर पे यदि आप चाहें तो आप अपने रिपोर्ट्स मुझे भेज सकते हैं, और आप मुझसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि आपके अंदर क्या समस्या है निसंतानता की। और अगर आप चाहें तो आप जाके डायरेक्ट इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिल भी सकते हैं, जिससे आपकी कुछ जांचें होंगी और पता लगेगा कि आपके एग्जैक्टली क्या कारण हैं। अगर आपके ओव्यूलेशन डिसऑर्डर है, अगर आपकी PCOS है, या हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो पहले डॉक्टर्स आपको कुछ मेडिसिंस देंगे,
जो अंडों को बड़ा होने में और उनके फूटने में मदद करता है। और 3 महीने आपको नेचुरल कंसेप्शन के लिए एडवाइस करेंगे। अगर आपका उस 3 महीने में भी कंसीव नहीं होता है तो फिर आपको फिर कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद लेनी होगी, जिसे हम IUI कहते हैं। IUI में हम वैसी महिलाओं के लिए करते हैं जिनके अंडे अच्छे बन रहे हैं, जिनकी दोनों नलियां खुली हुई हैं, जिनके गर्भाशय अच्छे हों। वैसे केसेस में हम उनके हस्बैंड के स्पर्म को लेकर उसे लैबोरेटरी में वॉश करके और प्लास्टिक की एक पतली सी कैथेटर के द्वारा गर्भाशय के अंदर डाल देते हैं, ताकि उन शुक्राणुओं को नलियों में पहुँचने में मदद मिले। और ऐसे केसेस में नेचुरल से 10-15% ज़्यादा चांस बढ़ जाता है कंसीव करने का। लेकिन IUI में भी अगर आपने 2-3 बार करा लिया और आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो बार बार IUI कराने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर आपको नेक्स्ट एडवांस स्टेप में आगे बढ़ना चाहिए, जिसे हम IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी का आविष्कार ऐसी महिलाओं के लिए हुआ था जिनके दोनों ही फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक थे। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर दोनों नलियां ब्लॉक हो जाएंगी तो अंडे और शुक्राणु आपस में मिल नहीं पाएंगे, भ्रूण बनेगा नहीं, तो ऐसी महिलाओं को निसंतानता की समस्या होगी। तो ऐसे लोगों के लिए IVF ही एकमात्र विकल्प है। इसमें हम महिला के शरीर से, उसके अंडकोश से अंडे बाहर निकाल लेते हैं, बाहर ही उसे उसके हस्बैंड के शुक्राणुओं के साथ मिलाकर भ्रूण का निर्माण करते हैं, और उस भ्रूण को वापस 3-4 दिन के बाद महिला के गर्भाशय के अंदर डाल दिया जाता है। बाकी के 9 महीने वो वैसे ही गर्भाशय में पलता है, बढ़ता है, जैसे नेचुरल प्रेगनेंसी में होता है। तो अगर किसी भी कारण से अगर आपके अंडे और शुक्राणु का शरीर के अंदर मिलन नहीं हो रहा है, तो ये काम हम अपने लैब में करते हैं, और इसे ही हम IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। अगर आपके गर्भाशय में किसी तरह की समस्या है, अगर आपकी गर्भाशय बहुत छोटी है या बचपन से आपकी गर्भाशय है ही नहीं, तो ऐसे केसेस में तो आपको सरोगेसी लगेगा। लेकिन यदि आपकी गर्भाशय में फाइब्रॉइड्स हो गया है या एडिनोमायोसिस हो गया है, कुछ भी ऐसी समस्या है, तो हम फाइब्रॉइड्स को ऑपरेशन करके हटाते हैं। एडिनोमायोसिस के लिए आपको कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, इंजेक्शंस दी जाती हैं, जिससे कि आपकी महावारी को टेम्प्रोरली 3-4 महीने या 5 महीने तक रोका जाता है, जिससे आपका सूजन ये थोड़ा कम हो जाता है। और उसके बाद फिर कंसीव करने के लिए हम IVF करते हैं, जिससे कि आपकी एबॉर्शन का रिस्क कम हो जाता है, कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी समस्या पहले अपने डॉक्टर से शेयर करें कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद जैसी भी आपकी समस्या रहेगी, हर चीज़ के लिए आज के दिन में उपचार संभव है। तो आज के लिए इतना ही। लेकिन अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है या आप अपनी समस्या मेरे से शेयर करना चाहती हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप अपने रिपोर्ट्स भेज सकती हैं, कॉल कर सकती हैं। इस नंबर पे आप मुझसे ज़रूर कॉल करिए, पूछिए, अपनी समस्या शेयर कीजिए। मैं ज़रूर आपके समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूँगी। नमस्कार।